एक मिलीनियर जिसको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे एक लड़की पसंद आई, उससे वो शादी करता है। तभी बिजनेस में एक आदमी ने उसे धोखा किया। उसकी वाइफ कुछ भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं। क्या आप इसके बाद ये सही से जी पाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेरेना ये हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैड एक्शन, कंसिक्वेंसेस, ग्रीड, इन सब बारे में मूवी कमेंट करती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के इसमें एक्शन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जॉर्ज, ये अपने फ्रेंड के साथ शिकार पर आया हुआ था। जॉर्ज का सपना है कि उसे एक पैंथर को मारना है। गैलोवे उसे कहता है इन जंगलों में कोई भी पैंथर नहीं, अगर होगा भी वो बहुत ही खूनखार होगा। उसका शिकार करना ये बहुत ही ज्यादा टफ होगा। अगर गैलोवे ने पैंथर को ढूंढ लिया तो जॉर्ज उसे बहुत सारे पैसे देगा। जॉर्ज जो है एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है। ये जब घर पर आया तो हम देख सकते हैं कि उसकी एक सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर आ रही थी। ये उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इस सर्वेंट के साथ एक और आदमी था जो उस सर्वेंट को लाइक करता है। उसे उस सर्वेंट का ये सब करना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जॉर्ज को काम पर देखते हैं। वो भी अपनी वर्कर्स की तरह उनके साथ ही काम करता है। उसका पार्टनर उसके पास आया। बैंक एक नोटिस आई हुई थी, उन्होंने लिया हुआ लोन अगर पे नहीं किया तो सब कुछ वो सीज कर सकते हैं। जॉर्ज कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं जाकर इसे सॉर्ट आउट कराऊंगा। अचानक से इनकी ट्रॉली ट्रेन ट्रैक से आगे चली गई। एक वर्कर इसमें फंसा हुआ था, इसकी डेथ हो सकती थी, पर जॉर्ज जल्दी से भागकर इस ट्रॉली को रोक लेता है। बैंक में जाने पर उसे पता चला कि मार्केट क्रैश की वजह से उसने जो स्टॉक एज अ कोलैटरल रखे थे वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। इसी वजह से उसे किसी और तरीके से लोन पे करना था। उसकी अफ्रीका में एक लैंड है, पर ये बेचने से वो मना करता है। उसका ड्रीम है कि वहां जाकर वो रहेगा। अपने ड्रीम को इस तरह से वो बेच नहीं सकता। निक्सन में अपने फ्रेंड्स के साथ एक हॉर्स रेस देखने के लिए आया हुआ था। उसकी फ्रेंड उसे कहती है अगर तुमने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होती तुम्हें पैसों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तुम्हें सेंसिबल करना चाहिए। इस तरीके से पहाड़ों में जाकर हुर्स तोड़ना ये कोई सही बात नहीं। जॉर्ज कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसने हॉर्स राइड करते हुए सेरेना को देखा। सेरेना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसकी नज़र उससे हटी ही नहीं। जॉर्ज की फ्रेंड ने उसे कहा कि वो किसी को भी घास नहीं डालती। वो जब छोटी थी तो उसकी फैमिली की फायर में डेथ हो गई थी। जब सब लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो सिर्फ सेरेना पूरी एशेज में भरी हुई उन्हें मिली। 3 दिन तक वो वहीं घूम रही थी। जॉर्ज पूरी तरीके से सेरेना से अट्रैक्टेड हो गया था। जब वो राइड करते हुए आगे जा रही थी तो वो भी उसके पीछे पीछे आता है। थोड़ी देर बाद सेरेना रुक कर उसे पूछ लेती है तुम कर क्या रहे हो? जॉर्ज कहता है तुम्हारे पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। एक दूसरे का नाम बताते हैं। जॉर्ज ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी वाइफ होना चाहिए। सेरेना इस पर हंसी और हंसी तो फंसी, डायरेक्टली इनकी शादी हो चुकी है। वो उसे अपने टाउन में लेकर आता है। जॉर्ज के मैनेजर ने सेरेना को देखा तो बहुत ही सरप्राइज था कि डायरेक्टली जॉर्ज शादी कर कर आया। जॉर्ज के ऊपर के लोन को पे करने के लिए सेरेना अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे सब पैसे दे देती है। जॉर्ज मानने लग गया है कि सेरेना उसकी बिजनेस की पार्टनर है। घर आने पर जॉर्ज जिस सर्वेंट के साथ इंटीमेट होता है इन्हें देख रही थी। सेरेना को पता चला जॉर्ज एक्सप्लेन करना चाहता था, पर सेरेना कहती है मेरी तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुमने जो भी किया ये सब कुछ मुझे नहीं जानना, अब सब कुछ परफेक्ट है। उसे हिल से वो कहाँ रहने वाले हैं ये सब दिखाता है। सेरेना को यह बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। वो कहता है मैंने अफ्रीका में एक लैंड बाय की है, वहां पर आज तक कोई भी नहीं गया। 100 माइल तक जंगल, सब ब्यूटीफुल, उसे वहां रहना बहुत अच्छा लगेगा। सेरेना समझ गई कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसके लिए मान गई। वो कहती है मुझे लगा था तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ बहुत ही खुश थे। घर पर आने के बाद वो देखते हैं कि अभी अभी एक कोवर्कर को एक सांप ने डस लिया था। सेरेना कहती है कि मैं जहां पर रहती हूँ वहां पर हमारे पास ईगल्स होते हैं, वो स्नेक को मार डालते हैं। मैनेजर कहता है हमारे पास यहाँ कोई भी ईगल नहीं। सेरेना ने कहा तो हम इम्पोर्ट कर लेंगे। आते ही सारा कंट्रोल वो ले रही थी। इसी चीज को उसने डिनर के बाद मीटिंग में की। जॉर्ज, उसका मैनेजर, सेरेना ये सब बात कर रहे थे। जॉर्ज सेरेना से पूछता है तुम्हें हमारे काम के बारे में क्या लगता है? सेरेना ने कहा जो काम तुमने 9 मंथ में किया
वो हम 6 मंथ में भी कर सकते हैं। जॉर्ज मैनेजर को समझाता है कि सेरेना अभी हमारी पार्टनर है, उसे तुम उसी तरीके से ट्रीट करना। रात में जॉर्ज और सेरेना ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जॉर्ज ने अपने सब लोगों से कहा कि सेरेना भी मैनेजर की तरह ही पावर में है, उसकी सब बातें तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैनेजर को ये बात खटक जाती है। काम पर आने के बाद एक वर्कर को वो ट्री किस तरह से तोड़नी है ये भी बता रही थी। ये वक्त हमारा 90s का है, तो आदमियों को कोई ऑर्डर करे ये जरा अजीब था। सेरेना यहाँ पर गैलोवे से मिली। गैलोवे वही है जो जॉर्ज के साथ शिकार पर जाता है। उसे मिलने के बाद उसने उसका टैटू देखा। सेरेना समझ गई कि जेल में जाकर आया है। इसका रीजन वो पूछती है तो गैलोवे कहता है, मैंने एक आदमी को मारा था। सेरेना थोड़ा भी किसी से भी नहीं डरती, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। इसके बाद टाउन में मीटिंग हो रही थी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जॉर्ज और इन्वायरमेंट को बचाने वाले लोग चाहते थे कि जंगल की जगह पर एक पार्क बने जिससे इसकी ब्यूटी मेंटेन रहेगी। जॉर्ज इसके खिलाफ है क्योंकि उसका वुड काटने का ही बिजनेस है। वो कहता है अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएगा। वो अच्छा पे करता है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। सारे लोग उसके फेवर में भी थे, तो जॉर्ज इसमें जीत गया। उसके लैंड पर कोई भी पार्क नहीं बनेगा। थोड़े दिन गुजर गए और सेरेना अब प्रेग्नेंट थी। जॉर्ज ने खुशी से उसे हवा में उठा लिया। इन्होंने जो ईगल को मंगवाया हुआ था ये भी वहां पहुंच जाता है। सेरेना कहती है इस ईगल को सिर्फ मैं ही कंट्रोल करूंगी। सारे आदमियों को पता चलना चाहिए ईगल को कंट्रोल करने वाली एक लड़की है। उसने उसे ट्रेन किया। ईगल की उड़ने की फर्स्ट टेस्ट हुई। सेरेना ने कहा जैसे ही प्रेम मूव होगा ईगल उस पर झड़प मार देता है, कोई भी उसे बच नहीं सकता। एक सांप को ईगल ने पकड़कर मार डाला। इनके सारे वर्कर्स सेरेना के लिए चीयर अप करने लग गए। एक दिन मैनेजर जॉर्ज से बात करता है। वो कहता है जो लोग पार्क बनाना चाहते हैं इस लैंड के लिए वहाँ बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी है। हमारे पास अफ्रीका जाने के लिए इतने पैसे नहीं, तो लेकर हम जा सकते हैं। जॉर्ज इसके लिए मना कर देता है, उसकी लैंड वो सेल नहीं करना चाहता। मैनेजर को सेरेना भी अच्छी नहीं लगती, तो जॉर्ज ने उसे समझाया कि वो हमारी पार्टनर है, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रही बात पार्क की, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाकर ब्राइब देने का काम वो मैनेजर को देता है। मैनेजर यही करने के लिए गया हुआ था तभी एक पुलिस ने उसे रोक लिया। वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। इसके बाद मैनेजर जॉर्ज के पास पार्क बनाने वाले लोगों को लेकर आया। उसे लैंड के लिए $400,000 देने वाले थे। जॉर्ज कहता है अगर मैं इसे सेल करूंगा तो $1,000,000 के लिए। उसके लैंड की वैल्यूएशन इतनी कभी भी नहीं है। उसने कहा तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं सेल नहीं करना चाहता, अगर बाय करना है तो इसी प्राइस पर करना पड़ेगा। ये मीटिंग वो यही ख़त्म कर देता है। जॉर्ज फिर गैलोवे के साथ शिकार करने के लिए आया हुआ था। जॉर्ज को अपने मैनेजर पर शक जाता है। उसने गैलोवे से पूछा क्या मैनेजर का कोई और प्लेस है जहाँ पर वो मीटिंग कर सकता है। गैलोवे को पता था, तो जॉर्ज और वो यहाँ जाकर आए। जॉर्ज ने देखा कि उसकी लैंड का मैप यहाँ था, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग की थी। इसके बारे में जॉर्ज ने मैनेजर को कन्फर्म किया। मैनेजर कहता है अब वो तुम्हें $450,000 देना चाहते हैं। जॉर्ज किसी भी हालत में लैंड सेल नहीं करना चाहता। कहता है जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक तुम इसे सेल नहीं कर सकते। अगर इन्हें ब्राज़ील जाना होगा तो और 2 साल लगने वाले हैं और मैनेजर इतना रुक नहीं सकता। मैनेजर ने उसे धमकी दी, अगर तुमने लैंड सेल नहीं की तो जो भी इलीगल चीज़ें तुम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करना, ये सब चीज़ें मैं कोर्ट में बता दूंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व था पर उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर डील की है। जॉर्ज इस पर बहुत ही गुस्सा हो गया पर वो वहाँ से चला जाता है, कुछ कर भी नहीं सकता। रात में सारी सिचुएशन उसने सेरेना से कही। इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। सेरेना भी किसी भी हालत में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। ये दोनों मिलकर फिर प्लान बनाते हैं। अगले दिन जॉर्ज, मैनेजर, उसके सब कोवर्कर्स ये मिलकर हंटिंग के लिए गए हुए थे। मैनेजर जब शिकार कर रहा था तो जॉर्ज ने उस पर गन पॉइंट की। जॉर्ज को एक मोमेंट में ये सब बहुत गलत लगा। वो अपनी गन रख रहा था तभी मैनेजर ने अपनी गन उठा ली। वो जॉर्ज को मार डालता, इसी वजह से जॉर्ज ने मैनेजर को मार डाला। ये सब एक आदमी ने देख लिया था। वो जॉर्ज के लिए काम करता है तो कुछ भी बात नहीं बताता। पुलिस आने पर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि वो उसकी रेंज में आ गया था और गलती से उसकी डेथ हो गई।
जिसने सब कुछ देखा था उसका नाम है कैम्बल। कैम्बल भी जॉर्ज के फेवर में ही बात करता है। जॉर्ज बेचारा डिस्टर्ब था। सेरेना उसे कहती है उसने तुम्हें बिट्री किया था, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिस सर्वेंट के साथ जॉर्ज इंटीमेट होता था वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अपने बेबी को लेकर फिर से इस टाउन में वापस आती है। सेरेना ने इसे देखा और वो गुस्सा हो गई। नेक्स्ट सीन में जॉर्ज सेरेना को नहला रहा था। उसकी बॉडी पर एक स्कार है जो फायर से आया था। सेरेना कहती है मैं बहुत छोटी थी, मुझे काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। जब फायर लगी थी तो उठ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई तो इसी वजह से वहाँ से भाग गए। वो अपनी फैमिली की चीखें सुन रही थी पर कुछ भी कर नहीं पाई। बाद में उसे इस चीज़ का बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी फैमिली को हेल्प नहीं किया। उसने तब से डिसाइड किया है कि जिससे वो प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जॉर्ज को पता चला कि उसकी सर्वेंट फिर से टाउन में आ चुकी है। कैम्बल उसके पास आकर कहता है कि उसे तुम्हें जॉब देना चाहिए। वो प्रेग्नेंट हुई इसमें उसका कोई भी फॉल्ट नहीं था। जॉर्ज ने जाकर उसे जॉब दे दिया। ये बेटा उसका ही है तो उसका नाम पूछता है। उसका नेम जेकब ये बाइबल से रखा हुआ था। ये जॉर्ज को बहुत अच्छा लगा। सेरेना से इस सर्वेंट के बारे में जॉर्ज ने बात की तो उसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इस सर्वेंट को अपनी बेबी के साथ जॉर्ज जब देखता है तो हमेशा इमोशनल हो जाता है। थोड़े थोड़े पैसे अपने बेटे के लिए निकाल कर रखता है। और सेरेना की डिलीवरी पास आ रही थी, बेबी किक भी करने लग गया था। जॉर्ज एक्साइटेड होकर अपने बेबी के लिए क्रीप बनाता है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। एक दिन काम पर एक्सीडेंटली कैलोवे का हाथ टूट गया। सेरेना जल्दी से भागकर उसके हाथ पर स्कार्फ वगैरह बांधती है जिससे वो अपना हैंड लूज ना करे। हॉर्स तक राइड करते हुए उसे वो गाड़ी तक लेकर आई। रात में सेरेना को पेन होने लग गया था। प्रेगनेंसी के वक्त हॉर्स राइडिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये दर्द उसका बढ़ने लगता है। उसका मिस कैरेज हो गया। जॉर्ज को उसे बहुत सारा ब्लड देना पड़ा। उसने उसे कहा अब हमें फिर से बेबी हो नहीं सकता। ये दोनों बहुत रोए। घर आने के बाद जॉर्ज ने जो भी क्रीप वगैरह बनवाई थी ये सेरेना देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। जॉर्ज भी इसे तोड़ देता है। मैनेजर हमेशा सब सर्वेंट को पे करने का काम करता था। अब उसकी जगह पर कैम्बल ये काम संभाल रहा था। उसने तिजोरी देखी जिसमें जॉर्ज की सब नोटबुक्स है। अगर ये नोटबुक पुलिस को मिल गए तो जॉर्ज जेल में जा सकता है। जॉर्ज ने जो किया ये कैम्बल को सही नहीं लगता तो डायरेक्टली पुलिस के पास चला गया। थोड़े दिन गुजर चुके थे तो जॉर्ज सेरेना को अच्छा फील कराने के लिए एक पार्टी में लेकर आया। एक ब्यूटीफुल सा उसे ड्रेस देता है पर सेरेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। बेबी के जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अगले दिन जॉर्ज ने अपना सेफ देखा तो उसके बुक्स मिसिंग थे। वो कहता है कैम्बल पुलिस के पास चला गया है। सेरेना को भी इसके बारे में पता चल गया। गैलोवे का हार्ट टूट सकता था पर सेरेना ने उसे बचाया तो गैलो हमेशा उसे ओन करता है और वो डेंजरस भी है। एक आदमी को मारने के लिए वो ऑलरेडी जेल में जाकर आया था। सेरेना फिर उसके पास गई, उसे कहा जाओ और कैम्बल को मार डालो। इसी के पैरेलल में जॉर्ज इनडायरेक्टली अपने बेटे और सर्वेंट का ख्याल रखते हुए देख सकते हैं। उसके ऑफिस में उसकी फोटो थी, कुछ पैसे रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें सेरेना ने देख ली। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गई। उसने जब सर्वेंट को देखा तो उसे लग रहा था कि वो सेरेना पर हंस रही है। इसके बाद गैलोवे ने कैम्बल को ढूंढकर मार डाला था। सेरेना ने फिर उसे और एक काम दिया। ये काम था सर्वेंट और उसके बेटे को मार डालने का। रात में वो जॉर्ज से कहती है मैं जो भी कर रही हो ये हमारे लिए कर रही हो, हम खुश रह पाए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। रात में गैलोवे और सेरेना ये जॉर्ज के बेटे को मारने के लिए गए हुए थे। सर्वेंट उसे लेकर भाग जाती है। इसे भागने में पुलिस ऑफिसर हेल्प कर रहा था। इस सर्वेंट के बेटे को हमेशा एक ओल्ड लेडी संभालती थी। गैलोवे और सेरेना उसके पास गए। उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया इसलिए गैलोवे ने उस ओल्ड लेडी को मार डाला। पुलिस ऑफिसर को बात पता चली तो अगले दिन वो जॉर्ज के पास आया। जॉर्ज को सब कुछ बता देता है। जॉर्ज ने कहा मेरी वाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकते। उसने सेरेना को कन्फर्म किया। वो कहती है मैंने सब कुछ हमारे लिए ही किया, तुमने मुझे हर्ट किया है। तुम्हारे ऑफिस में मैंने बेबी का फोटो देखा, क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी? हमारा प्यार उस बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉस कहता है कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, इस सब को रोक दो। पर सेरेना मानती नहीं। उसने कहा कि वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है, जब तक वो चाइल्ड जिंदा है
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जॉर्ज अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से जा रहा था। सेरेना उसे रोक लेती है, कहती है अगर तुम तुम्हारे बच्चे से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे यही की यही मार डालो। जॉर्ज गुस्सा होकर उसका गला दबाने लग जाता है, उसे मार ही डालता पर लास्ट मोमेंट में उसने उसे छोड़ दिया। जॉर्ज डायरेक्टली पुलिस के पास आया, उसने कहा ये सारी मेरी बुक्स है, इसे तुम हमेशा के लिए मुझे जेल में डाल सकते हो, मैं सारे क्राइम के लिए कन्फेस भी करूंगा, सिर्फ मुझे मेरे बेटे का पता दे दो, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शेरिफ भी इसके लिए मान गया। सर्वेंट और उसका बेटा ये दोनों टाउन में थे, ट्रेन लेकर यहाँ से जाने वाले थे पर ट्रेन लेट हो गई। इतने टाइम में गैलोवे उसे ढूंढ कर मार सकता है, इसलिए जाकर वो जंगल में छुप गई। जॉर्ज भी स्टेशन पर पहुंच गया। जब ट्रेन आई तो जॉर्ज और गैलोवे ये दोनों उसे ढूंढ रहे थे। वो जल्दी से इस ट्रेन पर चढ़ जाती है। गैलोवे ने पहले उसे देख लिया, वो जाकर उसे मारने वाला था, तभी जॉर्ज उसे रोक लेता है। इन दोनों में बहुत फाइट हुई। जॉर्ज ने रेजर लेकर उसका गला काट दिया। वो अपने बेटे को बचा लेता है। जॉर्ज ने सर्वेंट से पूछा कि अब तुम क्या करने वाली हो। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था इस सर्वेंट को एक आदमी लाइक करता है, तो अब वो उसी के साथ रहने वाली है। इस बच्चे से भी वो बहुत प्यार करता है, तो ये सब हैप्पी रहेंगे। जॉर्ज को अपने बेटे को जाता हुआ देख बहुत बुरा लगा। जॉर्ज ने पुलिस ऑफिसर से डील की थी पर उसके पास गया नहीं। उसे अभी अभी पता चला था इस जंगल में एक पैंथर आया हुआ है। वो दूर जगह पर एक बेट रख देता है, एक हिल के ऊपर से निशाना लगा रहा था। थोड़ी देर में पैंथर वहां पर पहुंच गया, उसे शूट करता पर उसे देख नहीं पा रहा था। वो पैंथर के पास गया पर पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में जॉर्ज को ढूंढते हुए पुलिस आए, उन्होंने देखा कि पैंथर और जॉर्ज ये दोनों मर चुके हैं। पैंथर ने जॉर्ज को मारा और जॉर्ज ने पैंथर को। दूर से ही सेरेना ने गाड़ी की आवाज़ सुनी, उसे लगा कि जॉर्ज वापस आ चुका है, पर डायरेक्टली जॉर्ज की डेड बॉडी आई। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली गई। जॉर्ज ने उसे जो ड्रेस दिया था ये पहन लेती है। जॉर्ज के शर्ट को स्मेल करते हुए वो बेड पर सोई। उसने सारे घर को आग लगा दी, उसी आग में जलकर वो सुसाइड कर लेती है। अपनी सेल्फिशनेस के लिए इन्होंने कोई भी हद नहीं छोड़ी, ये किसी को भी मार सकते थे, और फाइनली जो उन्होंने किया था इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। सेरेना भी जॉर्ज के बिना जी नहीं सकती थी, तो इसीलिए उसे सुसाइड करनी पड़ी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।